नमस्कार। और शायद यही वजह है कि जिस कारण हम पॉपुलर हैं या हम फेमस हैं या लोग हमें अप्रोच करते हैं। तो 4 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, और अभी आप देखिए तो एमसीसी ने शेड्यूल अपलोड कर दिया है। और आप इसी चैनल पे अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो मैंने यही कहा था कि जो ऑफ कोर्स मैंने शायद 21 या 22 तारीख बोला होगा, और उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 20 तारीख से एमसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। क्योंकि पहले एक हवा उड़ गई थी, एक वो नकली चला था कि 15 को होगा, और मैंने कहा था कि नहीं, 15 को तो पक्का नहीं होगा और 20 को होगा। और काफ़ी अच्छा फील होता है कि जब हमारा एनालिसिस ठीक होता है, और वो एनालिसिस कुछ हमने कहा ना कि मैं सिर्फ एमबीबीएस की कट ऑफ नहीं देखता, हम इकोनॉमी, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स बहुत कुछ देखते हैं, और उससे काफ़ी आइडिया लगता है कि क्या होने वाला है। और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि 2021 की कट ऑफ मत देखिए। इस बार देश की इकोनॉमी, लोगों के पास बहुत पैसा है, और प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाने वाली है। तो सिर्फ लास्ट ईयर ही कट ऑफ को देख के आप अपने डिसीजन मत लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी क्विकली देखिए आ गया है, और हमने देख लिया कि सब कुछ डिफरेंट ही है। यहाँ बड़ा क्लियर हो गया ऊपर, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा डीम जो हमेशा होता था, तो कहीं स्टेट का नाम नहीं है। और ये हमेशा की तरह भी कहते हैं कि 20 तारीख को इन्होंने, देखिए अभी भी 20 और 21 इस टेंटेटिव वेरिफिकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 तारीख से स्टार्ट होगा, विच इज रफली थर्सडे, करेक्ट। सो थर्सडे 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और 25 तारीख दोपहर तक है, अक्सर ये बढ़ता भी रहता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, जो 26 तारीख तक चलेगी। और इन्होंने ये इस बार अच्छा करा है कि फिर से 26 तारीख को आप चॉइस फिलिंग करेंगे, 3 से लेकर हमेशा ही लास्ट में चॉइस लॉकिंग, हमेशा ना एक ही दिन की विंडो दी जाती है, ताकि तो आप सब लोग अवेलेबल रहिएगा 26 जुलाई को। फिर 27 28 को प्रोसेस, 29 को रिजल्ट, और ये देखिए रिपोर्टिंग 4 अगस्त। तो कई बार लोग ना मुझसे पूछते हैं कि सर लोन अप्लाई कर सकते हैं, और मैं यही समझाता हूँ जिन्होंने पहला शेड्यूल नहीं देखा था, कि आपको जिस दिन सीट मिलेगी उसके बाद खाली 4 5 दिन का टाइम होता है पूरी फीस भरने का। तो फिर कहाँ से हम लोन अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है उसका इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए। ये ख़त्म होता है 6 अगस्त को, उसके बाद ये कहते हैं कि अपनी तरफ से राउंड 2 ये स्टार्ट करते हैं फिर से। और अगर मैं आपको स्टेट्स के राउंड की बात बताऊं, तो जो स्टेट्स का राउंड होगा वो आप मान के चलिए कि इस तरह से चलेगा कि अगर ये स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ चॉइस रिजल्ट आ गया 29 को, तो स्टेट्स का रिजल्ट आएगा कुछ 2 या 3 तारीख को, इसके 4 दिन बाद। और जब तक इसका अगला रिजल्ट आएगा तब तक उनकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो ये इंटरमिंगलिंग करके चलता है, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ। और जो फिर से जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उन्होंने भी डेट दिया है 30 सितंबर। और अगर मेरा लास्ट वीडियो देखोगे, मैंने आपसे यही कहा है शुरू से जब से ये चालू हुआ है कि इस बार अक्टूबर होता नहीं, बाई चांस जस्ट टू टेल यू, 1 अक्टूबर इज संडे, 2 अक्टूबर इज मंडे, तो मेरा पूरा वो एनालिसिस है कि 3 अक्टूबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये शेड्यूल है, और जो स्टेट्स के शेड्यूल आएंगे वो उनके बीच में घुसेंगे, मतलब स्टेट्स का फर्स्ट राउंड इसके आधे राउंड के बाद स्टार्ट होगा, वाइस वर्सा। तो मैं वही करूँ, दूसरे कामों में बिजी था, वरना मैं वीडियो तो परसों आपके लिए बनाना चाहता कि कब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी मेरी रिपोर्टिंग और मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एनएमसी से भी कुछ खबरें आती हैं। और ठीक है, तो तैयार हो जाइए, और आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू स्टार्ट फाइनल प्लानिंग, क्रिएटिंग योर स्ट्रेटजीज, एंड यू वॉन्ट टू, अगर आप हमें हायर करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू एंगेज अस, यू नो अवर नंबर, यू नो द प्रोसेस, 9643362320 पे कॉल कीजिए, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और फर्स्ट कॉल की एक फीस होती है, आई डोंट टॉक टू एनी बडी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस मिनिमम कॉस्ट में जो कि 2500 और 5000 है, डिपेंडिंग अपॉन फोन कॉल और फेस टू फेस मीटिंग, हम फ्यूचर स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग की अपनी फीस भी बताते हैं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो 20 तारीख से ही समझ लीजिए रियल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन हाँ, जो फॉर्म खुल चुके हैं, चाहे पंजाब हो, पौंडीचेरी हो, वो आपको भर देना चाहिए। तमिलनाडु तो खत्म हो गया, केरल खत्म हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।